नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामों के नाम बताऊंगा जिनकी कहानी और किरदार रियल लाइफ इवेंट्स और पर्सन्स पर बेस्ड है। तो नाज़रीन, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नाज़रीन, साथ में वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ ड्रामों को ऑनरेबल मैंशन करना चाहूँगा जिनमें ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, प्यारे अफजल और ड्रामा सीरियल खानी शामिल है, क्योंकि बस इन ड्रामों को भी रियल लाइफ इवेंट्स और पर्सन से इंस्पायर्ड होकर लिखा गया था। तो वीवर्स, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 5 पर आता है मेगा ड्रामा सीरियल मैं सितारा। वीवर्स, ये ड्रामा TV1 पर नशर हुआ था। इसमें सबा कमर, नुमा निजास, मिकाल जुल्फिकार और मीरा जैसे बेहतरीन कास्ट शामिल थे। वीवर्स, इसमें सबा कमर ने पाकिस्तान की 70s की मशहूर अदाकारा शबनम का रोल प्ले किया था। नाज़रीन, इस ड्रामे में हमें 70s के लॉलीवुड के एनवायरमेंट और डार्क साइड्स को दिखाया गया था और इसमें बहुत कम लोगों को पता है कि सबा कमर ने उस दौर की मशहूर अदाकारा शबनम का रोल ड्रामे में अदा किया था और सबा कमर की अदाकारी को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। तो वीवर्स, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 4 पर आता है ड्रामा सीरियल इनकार, जिसमें यमुना जैदी, इमरान अशरफ और समी खान मरकजी किरदार में थे। वीवर्स, इसमें यमुना जैदी ने रियल लाइफ पर्सन खतीजा सिद्दीकी का रोल प्ले किया था और हमें इस ड्रामे में यमुना जैदी के कैरेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है कि किस तरह खतीजा सिद्दीकी पर दिन दहाड़े अपने एक क्लास फेलो ने हमला किया था, मारने की कोशिश किया था और हैरेस्ट करने की कोशिश किया था। तो वीवर्स, इस ड्रामे में हमें यमुना जैदी के कैरेक्टर के थ्रू बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया जाता है कि खतीजा सिद्दीकी ने किस तरह बातिल के खिलाफ आवाज उठाया और पूरी सिस्टम से लड़ पड़ी और यूं किस तरह से आखिर में उन्हें इंसाफ मिलती है। तो नाज़रीन, इस ड्रामे को आप लोग एक दफा जरूर देखें, ये एक बेहतरीन ड्रामा है। तो वीवर्स, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 3 पर आता है ड्रामा सीरियल बख्तावर, जिसमें यमुना जैदी मरकजी किरदार में है। नाज़रीन, इस ड्रामे में भी यमुना जैदी ने एक रियल लाइफ पर्सन फरहीन इश्तियाक नकवी का रोल प्ले किया था। तो नाज़रीन, फरहीन इश्तियाक नकवी लाहौर की एक लड़की थी जिन्होंने हेरेसमेंट और दीगर माशरती मुश्किलात से बचने के लिए अपने आप को काफ़ी अरसे एक मेल के तौर पर शो करके रखा। तो वीवर्स, ड्रामा सीरियल बख्तावर में यमुना जैदी ने उसी लड़की का रोल प्ले किया था और एक बेहतरीन तरीके से यमुना जैदी ने वो रोल पोर्ट्रे किया था। तो वीवर्स, इस ड्रामे में उसके अलावा भी काफ़ी ड्रामाटिक टच दिया गया है, लेकिन यमुना जैदी का कैरेक्टर टोटली फरहीन इश्तियाक नकवी के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर लिखा गया था। तो वीवर्स, इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 2 पर आता है ड्रामा सीरियल बागी, जिसमें सबा कमर मरकजी किरदार में हैं। और वीवर्स, ये ड्रामा सोशल मीडिया सेंसेशन कंदील बलोच की लाइफ पर बेस्ड था। नाज़रीन, ये ड्रामा ऑफिशियली कंदील बलोच का बायोपिक था और इसमें सबा कमर ने कंदील बलोच का रोल प्ले किया था। नाज़रीन, कंदील बलोच एक सोशल मीडिया सेंसेशन थी जो अपने सोशल मीडिया पेजेस पर मुख्तलिफ कस्म की वीडियोस वगैरह बनाया करती थी। तो नाज़रीन, इस ड्रामे में सबा कमर ने कंदील बलोच का रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से अदा किया है। इस ड्रामे को काफ़ी कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा था और नाज़रीन, अगर आप लोग फैमिली के साथ इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा, लेकिन ये एक बेहतरीन ड्रामा है, बहुत ही इमोशनल नोट पर बनाया गया है। तो अगर आप एक बेहतरीन ड्रामा देखना चाहते हैं तो ड्रामा सीरियल बागी को एक दफा जरूर देखें। तो वीवर्स, इस लिस्ट में हमारे पास फाइनली नंबर 1 पर आता है ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे, जिसमें अदनान मलिक और माहिरा खान मरकजी किरदार में हैं। वीवर्स, इस ड्रामे को लिखा है द माइस्ट्रो राइटर खलीलुर रहमान कमर साहब ने और नाज़रीन, ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर साहब की अपनी जिंदगी पर बेस्ड था। नाज़रीन, इवन खलीलुर रहमान कमर साहब ने यह तक कहा है कि उन्होंने इस ड्रामे में एक भी सीन ड्रामाटाइज नहीं किया, बल्कि एक एक सीन इस ड्रामे में सच्चा है और उनकी अपनी जिंदगी पर बेस्ड है। इवन नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर साहब ने इसमें अदनान मलिक का नाम भी ड्रामे में खलील ही रखा है और इसमें माहिरा खान के कैरेक्टर का नाम शानो है। तो नाज़रीन, ये ड्रामा पूरी की पूरी खलीलुर रहमान कमर साहब की ही जिंदगी पर बेस्ड है और ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर गया था, लोगों ने इस ड्रामे को काफ़ी पसंद भी किया था। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इनमें आपका कोई फेवरेट ड्रामा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा और अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया।